विदिशा जिले की ग्यारसपुर तहसील के धोकेड़ा पंचायत के ग्राम रईस नगर में विगत दो वर्षों से सड़क और पुलियाओं का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन आज दिनांक तक पुलिया का निर्माण कार्य नहीं होने के चलते राहगीरों को आवागमन में समस्या का सामना करना पड़ता है। राहगीर राम सेन ने बताया कि अधिक बारिश से अस्थायी पुलिया बह जाती है और हमारे गाँव को जाने वाला एकमात्र रास्ता यही है, जिस कारण बारिश के चलते आवागमन बंद हो जाता है। बीमार मरीजों को खाट पर लाकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है, लेकिन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। अरुण, कहाँ के निवासी हो? रईसनगर। अच्छा, ये पुलिया कब से बन रही है? यही दो साल। अच्छा, ये पुलिया बारिश में क्या होता है, मतलब बारिश में तो बह जाते हैं। बह जाते हैं, फिर कैसे निकला? तो फिर कैसे निकलना, फिर कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, ये जो मरम्मत करी है ये किसने, ठेकेदार ने कराई आप लोगों ने? ठेकेदार ने कराई। अच्छा, ठेकेदार ने कराई। जब खबर करो जब आ जाते। अच्छा, आप लोगों ने नहीं कराई? नहीं। इस पे दुर्घटना वगैरह कुछ नहीं? अभी तो कुछ नहीं है, कोई आना जाना बंद है। आना जाना बंद हो जाता है? बंद हो जाता है। इस गांव में आपके कोई और रास्ता है क्या? और कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है। थोड़ी बहुत बारिश में ही जो है ये पुलिया बह जाते, तो रास्ता बंद। कितने घर हैं गांव में, कितने लोग हैं? लगभग 40-45 हज़ार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।